जनरल बख्त खान की पहचान एक की क्रांति में एक मुख्य क्रांतिकारी के रूप में है वो क्रांतिकारियों की सेना के कमांडर इन चीफ थे इसके अलावा वो एक कुशल प्रशासक अनुभवी योद्धा और सक्षम नेता भी थे उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह खान था जो कि नाजिब उर्दुल्लह के भाई थे बख्त खान गुलाम कादिर खान रोहेला के कजिन भाई थे मतलब बख्त खान का रोहेला वंश से सीधा संबंध था एक तक रोहेला वंश के पास अवध का शासन था लेकिन कालांतर में ये इनसे छीनकर अंग्रेजों तक पहुंच गया और 1801 के बाद तो अंग्रेजों की राज्य में प्रभाविता बढ़ जाने से उनकी अंग्रेजों से दुश्मनी हो गई जनरल बख्त खान का जन्म रोहिलखंड के बिजनौर में हुआ था बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार बन गए 40 वर्षों तक बंगाल में घुड़सवारी करके और पहले एंग्लो अफगान युद्ध को देखकर जनरल बख्त खान ने काफी अनुभव लिया था जनरल बख्त खान एक कुशल प्रशासक की भूमिका में जनरल बख्त खान एस एन एडमिनिस्ट्रेटर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के बीच में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था जिसके सदस्यों को आर्मी और सरकारी विभाग से चुना जाता था उनका सम्मान एक योग्य प्रशासक के रूप में किया जाता था उनके योग्य प्रशासक होने का सबूत मुंशी जीवन लाल के अंग्रेजों को लिखे पत्र में मिलता है जिसमें मुंशी ने लिखा था कि बख्त खान ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं नमक और शक्कर पर कोई टैक्स नहीं है उन्होंने विद्रोहियों द्वारा की जा रही लूट पर भी रोक लगाई है और ये आदेश भी जारी किया था कि यदि कोई लूट करता हुआ दिखता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे दुकानदारों को भी पूरी सुरक्षा दी जा रही है और उन्हें हथियारों का उपयोग करने को प्रेरित किया जा रहा है जिनके पास हथियार नहीं है उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं दिल्ली बाजार से सैनिकों को हटा लिया गया है क्योंकि वहां पर आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है दिल्ली गेट के बाहर कैंप लगे जा रहे हैं सैनिकों का वेतन देखा जा रहा है और उन्हें आर्मी में काम करने के लिए उनकी जागीर लौटाने का भी वादा किया जा रहा है अपने दुश्मनों को हराने के लिए जनरल बख्त खान हमेशा नए नए तरीके अपनाते थे जिससे दुश्मनों को उनके अगले कदम का अंदाजा नहीं लग पाता था जैसे 9 जुलाई को जब उन्होंने अंग्रेजों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तब उनकी योजना थी कि वो अपने सैनिकों को अंग्रेजों की सफेद पोशाक पहनाकर भेजेंगे जिससे अंग्रेज कंफ्यूज़ हो गए और उन्हें अंग्रेजों के कैंप में घुसने का मौका मिल गया बख्त खान की सैन्य अचीवमेंट अचाइवमेंट बहुत ज्यादा थे चाहे वो अंग्रेजों के 300 घोड़ों को छीनकर उनके मालिक तक पहुंचना हो या बरेली और नीमच में अंतिम हमलों की भूमिका तय करना जिससे अंग्रेज सरकार को आखिर में उनसे संधि करनी पड़ी हालांकि अंत में बख्त खान की बहादुरी और लीडरशिप काम नहीं सकी 8 जून को अंग्रेजों ने दिल्ली को घेर लिया इसके बाद कश्मीरी गेट पर भी आक्रमण कर दिया हिंदू मुस्लिम संबंध और बख्त खान की इसमें भूमिका द हिंदू मुस्लिम इक्वेन ऑफ द टाइम एंड बख्त खानस रोल इन इट एक की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है वास्तव में इस क्रांति की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुस्लिम की धार्मिक भावनाएं पर चोट पहुंचाने के कारण ही शुरू हुई थी उस समय ब्रिटिश आर्मी नई राइफल लाई गई थी जिसके कारतूस पर से ग्रीस को मुंह लगाकर हटाया जाता था और यह अफवाह थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग हुआ है इसलिए दोनों ही वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतर गए और राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से इनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे लेकिन यह हर कोई जानता था कि क्रांतिकारियों की सेना को और युद्ध का मोर्चा जनरल खान संभाल रहे थे बरेली में सेना ने 31 मई अठारह को विद्रोह किया था शुरुआती अव्यवस्था लूट और मारकाट के बाद वीर बख्त खान को क्रांतिकारियों का नेता घोषित कर दिया गया था और बख्त खान 1 जुलाई अठारह को अपने रोहिला के सिफी की फौजों और 4000 मुस्लिम जिहादी जो कि मौलवी सरफरा अली के वफादार थे के साथ दिल्ली पहुंचे। वैसे उनके एक चालाक और बहादुर मिलिट्री मैन होने की सूचना उनसे पहले ही दिल्ली तक पहुंच गई थी उस समय के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी उसने बख्त खान के दिल्ली पहुंचते ही उन्हें शाही तलवार और बकल भेंट की लेकिन बख्त खान ने यह नजराना लेने से मना कर दिया इसके बाद जल्द ही बख्त खान ने राजा की मदद करनी शुरू कर दी उन्होंने साफ शब्दों में जफर से कहा कि तुम एक अच्छे राजा नहीं हो लेकिन अब भी संभावना है और अब भी तुम अपनी सेना का सही उपयोग कर सकते हो क्योंकि अंग्रेजों को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है ये सब कुछ इतना सीधा और स्पष्ट कहा गया था कि हर कोई चकित था लेकिन इसके बदले में बहादुर शाह जफर ने नाराज होने की जगह अपने बेटे मुगल मिर्ज़ा को हटाकर बख्त खान को गवर्नर जनरल बना दिया 14 सितंबर को जब अंग्रेज़ों ने कश्मीरी गेट पर आक्रमण किया तब बख्त ख़ान ने जफ़र को समझाया कि दिल्ली का बाहरी इलाका अब भी विद्रोहियों के कब्ज़े में है इसलिए युद्ध में डटे रहे एक पूर्व सूबेदार ने भी जाफर से कहा कि बख्त खान अभी उनके पक्ष में हैं, जो जान पर खेल कर भी मुगल राजा का नाम नीचे नहीं होने देगा और भारतीयों को जीत दिलवाकर ही रहेगा पहले तो 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर उनकी बात मान भी गए थे लेकिन उनके दरबार के हकीम एहसानुल्लाह खान और जाफ़र के मृत वारिस के ससुर मिर्ज़ा फखूर ने उन्हें दबा दिया और इस तरह से आखिरी मुगल राजा अंग्रेजों के कैदी बन गए डॉट बख्त खान दिल्ली से निकल गए और लखनऊ और शाहजहांपुर में जाकर विद्रोहियों के साथ मिल गए एक हजार आठ सौ सत्तावन की क्रांति के बाद बख्त खान के नेपाल चले जाने की खबरें आई और ये भी कि उन्हें अंग्रेजों ने वहां मार गिराया है सेना से निष्कासित होने के बाद से मिर्जा मुगल बख्त खान से नाराज था बख्त खान की स्पष्टवादिता उनकी मदद नहीं कर सके बख्त खान स्पष्टवादी होते हुए भी राजकुमार को साफ नहीं कह सके कि वो सेना और इसके मामलों से दूर रहे जबकि ये हर कोई जानता था कि वो बहुत अयोग्य है हालांकि बख्त खान इस बारे में जफर को सूचित किया था कि राजकुमार और उनके साथी शहर के व्यापारियों से एकत्र किए गए टैक्स को छुपा कर रख रहे हैं जिसके कारण आर्मी में वेतन नहीं बांटा जा सकता राजकुमार खजर को लूट का माल लौटने को कहा गया आम जन को तब राहत मिली जब मुगल राजा इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया बख्त खान की नेतृत्व क्षमता और मिलिट्री ज्ञान को देखते हुए मुगल सम्राट ने उन्हें आलम बहादुर की उपाधि दी थी बख्त खान की ब्रिगेड अपने तरीके की अनोखी ब्रिगेड होने के कारण प्रसिद्ध थी लेकिन दो जनरल घुस खान और जनरल सिधारी सिंह बख्त खान से अलग हो गए थी क्योंकि वो ये बात स्वीकार नहीं कर सके उनकी बराबरी का ही एक अधिकारी उनसे ज्यादा सम्मान प्राप्त कर रहा है इस कारण युद्ध के दौरान खुद को बचाने के लिए बख्त खान अकेले रह गए थे इसके अलावा उन पर ब्रिटिश जासूस होने का आरोप भी लगा चाहे अलीपुर में आर्मी का दुर्ग मनाली ब्रिज जीतने में मिली असफलता हो सबका इल्जाम जनरल पर लगा यहां तक कि जाफर को भी शक होने लगा और उन्होंने जुलाई के अंत तक बख्त खान को जनरल के पद से हटा दिया मुगल दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दरबार लगता था जनरल और उनकी बरेली की ब्रिगेड इससे दूर ही रहती थी डॉट हालांकि बहुत आहत होकर भी उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया लेकिन खान की सेना बिखरने और उन पर आरोप लगने से अंग्रेजों में उनका खौफ भी कम हो गया नौ में जनरल बख्त खान पर एक उर्दू में पाकिस्तानी फिल्म बनी थी जिसे सरशार अख्तर मलिक ने निर्देशित किया था और नौशीन मलिक ने प्रोड्यूस किया था फिल्म में मोहम्मद अली यूसुफ खान सुल्तान राही और सुधीर मुख्य किरदारों में थे जनरल बख्त खान के नाम पर धरोहर जनरल बख्त खान स्वत डिस्ट्रिक्ट ब्यूनर खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में ही उनकी समाधि बनी हुई है जिसके बारे में जहानजेब कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर शाद खान का कहना है कि ये एक वीर राजकुमार की समाधि है जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया था एक की क्रांति में योद्धाओं के नाम में हिंदू या मुसलमान के नाम नहीं थे क्योंकि अंग्रेज तात्या टोपे से भी परेशान थे और बक्त खान से भी